लाल आपने कितनी मशीन्स देखनी है? मेरी मशीन कब आएगी? मैंने ऑर्डर कर दी है, आ जाएगी। ने मुझे मुझसे बगैर मेरे मुझे साथ ले जाए ऑर्डर भी कर दी? तुम्हें मेरी चॉइस पे भरोसा नहीं है? मुझे चॉइस पे भरोसा है, लेकिन मुझे आप जो कम खर्च बाला नशीन वाला जो नुस्खा अपनाते हैं ना, उस पे भरोसा नहीं है। यार फिकर नहीं करो, मैंने सबसे अच्छी वॉशिंग मशीन ऑर्डर की है, और तुम्हें पता है हमारी फैमिली के हिसाब से 7.5 kg हमें मैंने जब आपको बोली थी कि 9 kg वाली ही चाहिए, तो आपने 7.5 की क्यों दी? हमारे कपड़े कितने से होते हैं? 7.5 kg से हमारा काम चल जाएगा? यार ये तो नहीं है ना, आप नेक टू नेक जिससे काम बस चलाना है, काम तो नहीं चलाना होता ना, आपने एक दफा मशीन लेनी होती है सारी जिंदगी के लिए। 7.5 kg आएगी, तुम उसको यूज करना, अगर वो काम की ना हुई ना तो फिर मुझे कहना। तुम नहीं, मैंने यूज ही नहीं करनी वो, मैंने जब यूज मैंने करनी थी तो मेरे पसंद की लानी चाहिए थी ना, जो मैंने आपको एक दफा बोला था 9 kg वाली चाहिए, क्योंकि फ्लीस भी जिसमें धोने होते हैं, आप फ्लीस क्या हर 3 दिन बाद जाके आप ड्राई क्लीनर को दो, अगर आप दे सकते हैं तो फिर वेल एंड गुड। और आपको थोड़ी सी कॉमन सेंस यूज किया करें कि अगर बंदे के स्टोरेज कैपेसिटी कम होगी वो उतने ही चक्कर ज्यादा लेगी, क्योंकि कपड़े तो उतने ही है ना। अब मैं ऑर्डर कर चुका, वो उतने ही पानी उतनी दफा पानी ज्यादा लेगी और उतने ही ज्यादा दफा चक्कर चलेंगे, उतना ज्यादा पानी भी यूज होगा, बिजली भी यूज होगी, बट उधर से आपने वो नहीं करना, लेकिन इधर से आपने कुछ हजार बचाने हैं। यार अब मैं ऑर्डर कर चुका हूँ, अब तुम भी कॉम्प्रोमाइज कर लो। देखो ऑलरेडी मैंने तुम्हारी बात मानी है, मेरी बात आपने नहीं मानी, मैंने ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन ली है, मेरी आपने बात नहीं मानी, और अब आप खुद ही धोएंगे उसमें और मैं नहीं धोऊंगी, बस कमाल है। यानी मैं ऑलरेडी थोड़ा बिजी हूँ, मैं साथ में कपड़े भी धोऊंगा। नहीं तो मैंने आपको बोला था ना जोहा, यस मैंने आपको बोला था ना कि मेरे 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 मेरी मैंने जो आपको बोली है वही वाली मुझे चाहिए। यार 9 kg की जो है ना वो आपको एटलीस्ट 42,000 की मिलती है, और ये जो आपको 7.5 kg की मिल रही है ये आपको तकरीबन 33,000-34,000 की पड़ती है, सो इट्स वर्थ सेविंग 8,000-9,000 रुपीज ऑलमोस्ट। चल जाएगा हमारा काम, डोंट यू वरी। नहीं चलता, अब आप ही लगाना मशीन, मैं नहीं लगा रही, अब आप ही यूज करें उसको। अच्छा एक काम करते हैं, अभी आने दो मशीन को, देखते हैं उसको, देखना चेक करना, अगर ना पसंद आई तो फिर देखेंगे। चलो खैर मैं खुद ही कपड़े धो लूंगा, ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन है, करना क्या है, कपड़े डालने हैं, 3-4 बटन प्रेस करने हैं, वो खुद उसने खुद बात धोने की नहीं है, बात यह है कि आपने मेरी नहीं मानी। इस टाइम भी आपने अपनी ही की। अच्छा अच्छा देखो मेरे पास वैसे तुम्हारे लिए एक सरप्राइज भी है, अभी मैंने आपसे कुछ बहस नहीं करनी, अब मैं और मजीद बहस के मूड में नहीं। अच्छा बाहर किसी ने बेल दी है, शायद वही वॉशिंग मशीन वाला आया होगा। ये वारंटी कार्ड है? दोस्तों यहाँ पर मैं आपको एक बहुत इम्पोर्टेंट बात बता देना चाहता हूँ कि इलेक्ट्रॉनिक्स की कोई भी प्रोडक्ट हो, चाहे वॉशिंग मशीन हो, एसी हो, फ्रिज हो, कुछ भी हो, जब भी वो आपके घर में डिलीवर हो तो डिलीवरी पर्सन को जाने देने से पहले इलेक्ट्रॉनिक्स की अच्छी तरह छानबीन कर लें, उसको चारों तरफ से ऊपर नीचे से खूब अच्छी तरह से देखिए कि कहीं पर कोई डेंट्स तो नहीं पड़े हुए, कहीं से डैमेज्ड तो नहीं है, क्योंकि कभी कभार ऐसा होता है कि इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ें लोडिंग ऑफ लोडिंग के वक्त डैमेज हो जाती हैं। अगर आपने डिलीवरी के वक्त चेक नहीं किया तो फिर वो आपके ऊपर आ जाता है, क्योंकि कंपनी आप क्लेम भी करेंगे तो वो कहेंगे कि जब आपके पास डिलीवरी पर्सन आया था उस वक्त आपने चेक क्यों नहीं किया। इसी वजह से मैं इसको बड़े डिटेल से चेक कर रहा हूँ चारों तरफ से। इस पॉइंट के मुतल्लिक मैं एक मुकम्मल वीडियो भी तफसीली बनाऊंगा, जिसमें आपको बताऊंगा कि क्या गुर होते हैं और कैसे चेक करते हैं और किस तरह से ये सिस्टम चलता है। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको वो चेक करना सिखाऊं तो नीचे कमेंट करें, अगर ज्यादा लोगों ने कमेंट किया तभी वो वीडियो बनाऊंगा। मशीन आ गई तुम्हारी 7.5 kg की, दिखाओ। मैं नहीं देखती, आप देखिए, मुझे क्यों दिखा रहे हो? मैं नहीं देख रही। यार देख तो लो, हो सकता है तुम्हें पसंद आ जाए। नहीं मुझे नहीं भाई, मुझे साइज, मुझे उसका नहीं था मॉडल का, मुझे साइज का था, और आपने अपनी की, बस मुझे नहीं देखना, जो आ गई आ गई। नाम बोलो। नाम को
पढ़ के मैं क्या करूँ? यह ब्रांड न्यू है, फ्रेश पीस फ्रॉम द फैक्ट्री। मुझे साइज का था मसला, तो मैंने साइज का आपको बोला था, आपने वो साइज लेके ही नहीं आए। अच्छा इधर आओ, नाम पढ़ो। HWM 90 1789 90, मतलब 9 kg। मैंने तो बताया था हायर की वॉशिंग मशीन में HWM के बाद जो लिखा होता है वो उसकी केजीज को बता रहा होता है। मतलब 90 मतलब 9 kg। अब खुश? हाँ अब खुश हूँ। 9 kg की मशीन ला कर दी है, अंदर से भी देख लो, ब्रांड न्यू है। ये देखो इसका हाइड्रोलिक ये है कवर, ये देखो ऐसे तुम करोगे तो टक करके नीचे नहीं आएगा, आहिस्ता आहिस्ता नीचे आएगा, आहिस्ता आहिस्ता नीचे आएगा, कोई शोर नहीं, कोई नॉइज पोल्यूशन नहीं, कुछ नहीं। अच्छा अभी इसको खोल के देखते हैं, अंदर से भी देख लो, पिलो ड्रम टेक्नोलॉजी के साथ है। ये देखो ये कपड़ों को चिरने से बचाएगा, कोई धागे रफल नहीं होंगे आपस में। ये मैंने अभी एक्सटेंशन रखी है इसके अंदर, ताकि बाद में मैं परमानेंट सेटिंग करवाऊंगा तो इसको एडजस्ट कर देंगे। ये देखो तसल्ली कर लो अभी भी, क्योंकि 3 days का टाइम होता है अगर आपको पीस पसंद ना आए तो। और यहाँ से देखो, यहाँ से तुम डिटर्जेंट डालोगी, यहाँ से लिक्विड डिटर्जेंट, यहाँ से सॉफ्टनर, और बहुत सिंपल और ईजी इसकी प्रोसेसिंग है, इसका फंक्शंस बहुत सिंपल है। लेकिन ये है, अभी तुम फर्स्ट टाइम यूज करोगी तुम बहुत कंफ्यूज्ड होगी, इवन जो ऑपरेटिंग मैनुअल है उसको भी पढ़ोगी तब भी तुम्हें खास समझ नहीं आएगी। तो मैं ये करूंगा कि व्यूअर्स को भी समझाने के लिए एक एक फंक्शन समझाऊंगा सेपरेटली, कि ये करें तो क्या होता है, ये करें तो क्या होगा, खाली स्पिन करना हो तो कैसे करते हैं, स्पिन एंड रिंस करना हो तो कैसे करते हैं, क्विक ड्राई का क्या मतलब है, डीप क्लीन्स पे कैसे लगाते हैं। ये सारे फंक्शन जब तक आपको आते ना हो तब तक आपको इस वॉशिंग मशीन का फायदा नहीं है। तो ये मैं तुम्हें तसल्ली से समझाऊंगा, साथ में व्यूअर्स को भी समझाऊंगा, क्या ख्याल है? ठीक है ठीक है, और फिर तुम्हारा एक रिव्यू होगा वॉशिंग मशीन्स के बारे में। तुम बिलाल जफर शो पे अपलोड करना चाहोगी या हिना बिलाल शो पे? वो जो मैं जो इसका रिव्यू दूंगी वो अपने चैनल पे अपलोड करूंगी, हिना बिलाल शो पे। खैर है यार, बिलाल जफर शो पे भी अपलोड कर देंगे, हिना बिलाल शो पे भी अपलोड कर देंगे, किसी के कोई सब्सक्राइबर्स होते हैं, किसी के कोई व्यूअर्स होते हैं, सबको पता चल जाएगा। ठीक है ठीक है, चलो खुश। चलो अब तुम रिव्यू बनाना जब कपड़े धोगी इसके। ठीक है ठीक है, हाइड्रोलिक कवर है, आहिस्ता आहिस्ता खुद से आएगा नीचे, हर मशीन में ये फीचर नहीं होता। ये मैंने जो पसंद किया ना, मैंने मार्केट में जाके जो सबसे अच्छी इस रेंज में और 9 kg में मिल रही थी, मैंने वो वाली पसंद की है। 9 kg मतलब आप इसमें ठीक ठाक कपड़े धो सकते हो, इकट्ठे सारे 2 हफ्ते के कपड़े बेशक धो लेना। सब्सक्राइब कीजिए बिलाल जफर शो को इलेक्ट्रॉनिक्स कंस्ट्रक्शन और टेक अपडेट्स के लिए, और प्रेस कीजिए बेल आइकन को बेहतरीन इंफॉर्मेटिव वीडियोस और व्लॉग्स वक्त पर देखने के लिए।